हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंद्रप्रीत कौर, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम सिंपल कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले वी हैव कंपाउंड विद मोनोएटॉमिक आयंस। मोनोएटॉमिक का मतलब कि हमारे पास जो कैटायन और एनायन है, दोनों में ही एक एक एटम है। ये फॉर्मूलाज लिखने के लिए जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। हमें एलिमेंट्स की वैलेंसी आनी चाहिए। उसके लिए आप आई बटन में दिया हुआ लिंक क्लिक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने वैलेंसी डिस्कस करी थी। सो टुडे वी विल डिस्कस द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब जैसे फर्स्ट है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। हमें पता है सोडियम का सिंबल इज Na एंड क्लोरीन का सिंबल इज Cl। सोडियम की वैलेंसी इज +1 एंड क्लोरीन की वैलेंसी इज -1। फॉर्मूला लिखने के लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम, क्रिस एंड क्रॉस, क्रिस एंड क्रॉस। क्लोरीन की वैलेंसी सोडियम के पैरों में एंड सोडियम की वैलेंसी क्लोरीन के पैरों में। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, सोडियम के पैरों में क्या आ गया, 1। चार्ज नहीं लिखना है हमें, प्लस और माइनस नहीं लिखेंगे, ओनली जो हमारा नंबर है, जो मैग्नीट्यूड है। ओके, क्लोरीन के पैरों में क्या चला गया, 1। सो 1-1 लिखने की तो जरूरत हमें है नहीं। तो यहां से हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड का क्या बन गया, NaCl। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम इज Mg एंड जो नाइट्राइड है ये हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2, और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, -3। फिर से क्या करेंगे, क्रिस एंड क्रॉस। अब मैग्नीशियम के पैरों में हमारे पास क्या आ गया, देखो ये 3 यहां से गया मैग्नीशियम के पैरों में, माइनस नहीं लिखेंगे, ओनली 3। ओके, और ये 2 गया यहां से कहां, नाइट्रोजन के पैरों में। सो मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या बन गया, Mg3N2। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन का सिंबल हमें पता है H, सल्फाइड मतलब सल्फर की बात हो रही है। ओके, तो सल्फाइड हो गया सल्फर। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, सल्फर की वैलेंसी -2। ओके, ग्रुप में हमारी वैलेंसी सेम होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आ रहा है सल्फर, उसकी भी वैलेंसी -2। ओके, तो यहां से फिर से क्या करेंगे, क्रिस एंड क्रॉस। हाइड्रोजन के पैरों में कौन जा रहा है, देखो 2 जा रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, H2। सल्फर के पैरों में कौन जा रहा है, 1 1, लिखने की जरूरत हमें होती नहीं है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट वी हैव पोटेशियम फ्लोराइड। पोटेशियम का सिंबल K, फ्लोरीन का सिंबल F। पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, क्लोरीन के ऊपर -1। फॉर्मूला लिखने के लिए क्या, फिर से क्रिस एंड क्रॉस, क्या बन गया यहां से, KF। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स विद पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक का मतलब ऐसे आयन जिनमें एक से ज्यादा एटम हो। फॉर एग्जांपल, आई हैव दिस OH-, 2 एटम हो गए, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, तो मतलब क्या हो गया, ये पॉली एटॉमिक हो गया। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। फिर SO4-, दैट इज सल्फेट आयन, NO3-, दैट इज नाइट्रेट आयन, PO4-, दैट इज फॉस्फेट आयन, CO3-, दैट इज कार्बोनेट आयन। यू हैव टू लर्न ऑल दीज। ओके, स्पेशली इनके ऊपर कितना कितना चार्ज है। चार्ज ही हमारा सबसे मेन पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, चलिए एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम तो हमें पता है क्या होता है, Na। हाइड्रोक्साइड अभी हमारे सामने है, OH के ऊपर -1, तो हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज -1 हो गया, सोडियम के ऊपर +1। तो फॉर्मूला लिखने का तो एक तरीका है, क्रिस एंड क्रॉस, क्रिस एंड क्रॉस। तो 1-1 है, लिखने की जरूरत हमें है नहीं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Na
OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, सल्फेट देखिए SO4 2-, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ क्या करेंगे, क्रिस एंड क्रॉस, दोनों के पैर में क्या जा रहा है, देखो Mg ट्वाइस SO4। अब देखो SO4 के ऊपर 2 है, ठीक है, SO4 के पैर में भी कौन जाएगा, 2 जाएगा। तो अब SO4 के पैर में जब 2 जाएगा, तो अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख देती हूं, ये देखो ये बन गया 42, कोई मतलब नहीं है इस बात का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि ये जो 2 है ये पूरे सल्फेट आयन पे है, ना तो सिर्फ ऑक्सीजन पे है ना तो सिर्फ सल्फर पे, पूरे के पूरे सल्फेट आयन पे। ओके, अब एक और बात यहां पे, अब मैग्नीशियम के पैरों में भी 2, सल्फेट के पैरों में भी 2, रेशो क्या बन रही है, 2:2। हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशो लिखनी है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो हमारी सिंपलेस्ट रेशो क्या बन रही है, 1:1। ओके, तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, Mg SO4। ओके, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। आई हैव कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का सिंबल ये रहा हमारे पास CO3 और चार्जेस पे 2-, कैल्शियम पे कितना होता है, +2। फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे, क्रिस एंड क्रॉस, तो कैल्शियम के पैरों में 2, कार्बोनेट के पैरों में भी 2, ब्रैकेट का ध्यान रखना है हमें। ओके, फिर से 2:2 है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगी, 1:1, तो 1 लिखने की तो जरूरत हमें होती नहीं, इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला हो गया, CaCO3। ओके, नेक्स्ट वी हैव सोडियम फॉस्फेट, सोडियम का फॉर्मूला Na, फॉस्फेट का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास PO4-, और सोडियम के ऊपर कितना आता है, +1, क्या करेंगे, क्रिस एंड क्रॉस। अब 3 गया सोडियम के पैरों में, सो क्या लिख देंगे, Na3, फॉस्फेट के पैरों में कौन आया, 1, सो PO4, ये बन गया हमारे पास सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रिक एसिड। अभी तक हमने जितनी एग्जाम्पल्स करी उन सब में तो क्या था, सीधे सीधे नाम लिखे हुए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड आराम से पता चल रहा था हमें, बट यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक एसिड लिखा है, यहां से तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन से 2 एलिमेंट्स हैं या कौन से 2 आयन्स हैं, ठीक है। अब एक बात लिखी है यहाँ पे, एसिड, एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्या हो, हाइड्रोजन हो, जो हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में डोनेट कर सके। ओके, तो यहां से नाइट्रिक एसिड में एक तो फिर आ गया हमारा हाइड्रोजन, और साथ में क्या है, नाइट्रिक, नाइट्रिक जो है वो नाइट्रेट आयन से बना है, और नाइट्रेट आयन हमारा क्या होता है, NO3-। ओके, हाइड्रोजन पे चार्ज +1, नाइट्रेट पे हो गया -1। फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे, क्रिस एंड क्रॉस, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, HNO3। ये एसिड आपको 10th में भी बहुत काम आएगा, इसका फॉर्मूला हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आई हैव सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में फिर से वही एक ही चीज लिखी हुई है, पर एसिड तो बताया है ना, तो यहां पे मतलब हाइड्रोजन तो होगी साथ में। अब सल्फ्यूरिक जो वर्ड है वो आया है सल्फेट से, और सल्फेट का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, SO4-, और हाइड्रोजन पे कितना होता है, +1। अब क्या करेंगे, क्रिस एंड क्रॉस, हाइड्रोजन के पैरों में कौन गया, 2 गया, सल्फेट के पैरों में कौन आया, 1 आया, जिसको लिखने की जरूरत है नहीं हमें। ओके, सो यहां से सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बन गया फॉर्मूला, H2SO4, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये थे आज के हमारे टॉपिक के कुछ एग्जाम्पल्स,
होप सो आपको अब इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसीलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच.